सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। आप हमारे साथ मौजूद हैं रमजान इश्क ट्रांसमिशन में। रिहान भाई, हसान भाई, शफीक भाई मुजद्दद भी आ चुके हैं और यहाँ पर मेरे भतीजा भतीजी रिहान भाई के बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ बता दूं, इससे पहले कि हम ट्रांसमिशन को आगे लेके चलें, यहाँ पर अब तक तीन लोगों के अल्लाह पूरी पूरी मेहंदी लगवाई तुमने आपा, तो ये बच्चों की यहाँ पर खवातीन की मेहंदी भी लग रही है। इंशाल्लाह ये जैसे ही खत्म होंगे अगले तीन आएंगे, फिर उसके बाद जितना जब तक ट्रांसमिशन चल रही है उतने आते जाएं जाते जाएं। खवातीन हज़रात, पेप्सी लाइटिंग अप लाइव, 1.75 लीटर पेप्सी की बॉटल खरीदिए और इस कार्य खैर में शामिल हो जाइए, जहाँ पेप्सी लोगों के घरों में रोशनियाँ फैलाने के अज़्म को लेकर उठ चुका है, जाग चुका है, बढ़ चुका है। एक साल से इस कोशिश में वो मसरूफ हैं और आप पेप्सी की 1.75 लीटर बॉटल खरीद कर सिर्फ एक रुपया आपका उसमें से डोनेट होगा और वो हर बॉटल के खरीदने पर होगा और उन कस्बों में, उन गांवों में, उन गलियों में, उन घरों में रोशनी हो जाएगी जहां पर बिजली की फरहमी नहीं है। तो पेप्सी लाइटिंग अप लाइव्स के लिए बहुत सी दुआएं। इससे पहले कि हम ट्रांसमिशन में और आगे चलें और बहुत से और कलाम भी पढ़ें और दुआएं भी हों, यहाँ पर हाँ ये जो हमारी डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा हैं, ये आज एक ऐसा ऑयल दे रही हैं, सिखा रही हैं, हैं दिखा रही हैं, सिखा रही हैं, जिससे जिससे आप अपनी बॉडी में जो पार्ट कम करना चाहें वो एक हफ्ते में कर सकते हैं, मतलब जो हिस्सा कम करना चाहें। और मैंने इनको जैसे उन्होंने मुझे ब्रेक से पहले बताया, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, वरना मैं इनको इतना कूटती, मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं बताया, तो ये नहीं बताया। और ये ऑयल आप घर में बना सकते हैं, बिल्कुल इसीलिए सिखाने को कहा कि ये तमाम चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं और आप मज़े से इसको बना के रख लीजिए। और जो भी चीज़ लाइक किसी की डबल चेन होती है, किसी के आर्म्स होते हैं, टमी है, बैक है, जहाँ से कम करना से वहीं पे मसाज करेंगे और विद इन अ वीक जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह जबरदस्त। कौन कौन मेरी बहन यहाँ पर ये ऑयल बनाना चाहेगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी सब लोग बनाना चाहेंगे, हाथ खड़ा नहीं कर रही हैं, इसलिए आप लोग चीती हैं, आप लोगों के लिए तालियां मेरी तरफ से। ये ऑयल बनेगा कैसे बताइए? अच्छा अभी बना है, एक चीज और भी जो मैंने आपसे बताई बताइए कि बहुत सारी बच्चियां बहुत ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, बोटॉक्स है, लिप फिलर्स है, और वो करवा नहीं सकती महंगे होने की वजह से या तकलीफ दे होने की वजह से। अच्छा, तो ऐसी एक चीज है जो इंस्टेंट जो है ना आपके लिप जो है ना वो फुलर हो जाएंगे, लिप फिल हो जाएंगे, लाइक आपने जैसे बोटॉक्स करवाया। अच्छा, अभी के अभी किसको शौक है बोटॉक्स कराने का? प्लम्प हो जाएंगे। है कोई लिप प्लम्प कराने जैसे शौक हो बत्तख की तरह? किसी को शौक हो, लेकिन होता है, ख्वातीन में होता है, बिल्कुल होता है, डेफिनेटली। अच्छा, लेकिन वो इसलिए कि जाहिर है बैलेंस करने के लिए भी, बैलेंस करने के लिए अच्छा बड़ा अच्छा शेप आ जाता है। और आजकल जैसे चल रहा है कि मॉडल्स भी करवा रही हैं और फैशन में भी है कि आप लिप कलर भी लगाते हैं तो वो अच्छा लग रहा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये आप कैसे बनाएंगे बताइएगा? अच्छा, पहले हमने क्या लिप प्लम्प करने हैं, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ इसलिए कि इसकी बहुत सारी डिमांड है। वॉलंटियर जो कराना चाहे, अभी के अभी रिजल्ट आएगा, अभी के अभी यहीं के है, तो आ जाए, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड भाई, बच्चे के लिए तालियां जबरदस्त, डेयरिंग बच्ची है, डेयरिंग बच्ची, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें जो है दालचीनी का पाउडर लेंगे हम, दालचीनी का पाउडर, अच्छा माशाल्लाह, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून लेंगे दालचीनी का तेल, दालचीनी का तेल, आ जाओ गुड़िया। अच्छा, और 2 कतरे लेंगे मिंट ऑयल, पेपरमिंट ऑयल 2 ड्रॉप्स। ये आपका ऑयल बन गया है, इससे जो है मसाज करते हैं, जितना आपको चाहिए, आपको जितने प्लम्प लिप्स चाहिए आपने करना है। अभी आप इसके देख लीजिए लिप्स को, नहीं हटे थी। अच्छा, आकर थोड़ा सा, अब जैसे इनके ऊपर वाला लिप जो थोड़ा सा थिन है, इस पे हम इस तरह से लगाएंगे, बस दालचीनी का पाउडर और दालचीनी का तेल और 2 कतरे हमने मिंट ऑयल, मिंट ऑयल, बस 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 इसको जो है तो इस तरह से मसाज करना है। ओके, यू कर लो, यस, एक्स्ट्रा हाँ पाउंड करो। माशाल्लाह, ये आप देखिएगा अभी कि अभी जो है ना ये प्लम्प हो जाएगा, आउटलाइन बन जाएगा और बिल्कुल नेचुरल होगा, इसमें कोई केमिकल भी नहीं है, आपके सामने बना है,
थोड़ा सा हल्का सा इनको सेंसेशन होगी, वो भी वक्ती होती है, इसमें कोई दालचीनी है। अच्छा रोज़ा यू करो, तभी मैंने कहा यू करो। यस वाह वेरी नाइस। अब इसको इस तरह से हम मसाज करेंगे। जबरदस्त, क्या क्या चीजें आ गई यार, क्या बात है वैसे, वेरी नाइस, क्यूट भी है कितनी माशाल्लाह से। अच्छा और आपने कहा था कि कुछ फेशियल्स और कुछ ट्रीटमेंट भी आप आज यहाँ करेंगे। जैसे हमने ब्लीच बनाया था, आज हम जो भी करवाना चाहेंगे उनको ब्लीच भी करेंगे। जिनको वैक्सिंग करवानी है, हमने जो हेयर रिमूविंग बनाया था उससे हम आर्म्स के हेयर रिमूव भी करेंगे, जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो अगर किसी ने अपने मास्क भी लग सकता है, और उसके साथ हम मास्क भी बनाना बताएंगे, जो हम मास्क भी लगाएंगे। मास्क आपने कहा था कोई मास्क ऐसा लगाएंगे जैसे बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्शन, उसी वक्त। अभी ये तमाम चीजें रखी हैं, आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे बनता है, और वो आपको लगा के भी दिखाएंगे। कौन लगवाएगा मास्क? अल्लाह कितने लोग तैयार हो गए मास्क लगवाने के लिए। अच्छा कितने लोगों को मैं बुलाऊं सब? अभी बस जो भी लगवाना चाहे, 4-5-6 जो भी दिल चाहे, 4-5-6 खवातीन आप चूज कर लीजिए, रमशा और सहरेश और टीम, 4-5-6 खवातीन कर लीजिए। और अब हम चलेंगे, अब हमें उम्रे की टिकट की तरफ भी पढ़ना है, क्योंकि मैं कहूँगी हमारे भाई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जब वो कैफियत होती है जब हम जाते हैं लो कॉस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से उम्रे के टिकट्स की जानेब, तो लोगों को नहीं पता होता किसका बुलावा, हमें भी नहीं पता था कि हमारा बुलावा ऐसे आ जाएगा। लेकिन यही वाली कोशिश होती है कि जब हम मेरे भाई यहाँ पर आते हैं, जो मेरे यहाँ पर आती हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर ही बैठे बैठे ज़्यारत फील हो जाए, आप यहाँ पर ही आंखें बंद करें और आपको लगे कि आप मदीने में हैं। और बस यही है कि कल भी कुछ खबर आई सऊदीया के हवाले से, और उस वक्त यही हुआ, दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला खैर फरमाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर ही हुई, खैर की खबर रही। लेकिन इस तरह के अटैक्स या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी को भी डर या खौफ होने लगे, इस पर वैसे ही सही नहीं है, और वहाँ की क्या बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर वाकई से रहा। और अब मैं कहूँगी अपने भाइयों से कि उम्रे के टिकट जिस जिसके नसीब में आने वाले हैं उनको उनकी अमानत पहुँचाइए। रेहान भाई बिस्मिल्लाह, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबिही बारिक व सल्लम, सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह। चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, बाहर लूटेंगे हम करम की, बाहर लूटेंगे हम करम की, बाहर लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं। किस किसने जाना है मदीने? सबने जाना है, सब कह दें चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो 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 ना चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं। नौनक जैसा सखी है कोई, नौनक जैसा गनी है कोई, नौनक जैसा सखी है कोई, नौनक जैसा गनी है कोई, बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने
चलते हैं, इसी महीने चलते हैं। अगर मुकद्दर ने यावरी दी, अगर मदीने गया मैं खालिद, अगर मुकद्दर ने यावरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद। कदम कदम खाक उस गली की, कदम कदम खाक उस गली की, कदम कदम खाक उस गली की, मैं चूम लूंगा उठा उठा कर। चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो 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 ना चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं। मैं वो निकम्मा जिसकी झोली में कोई हुस्न अमल नहीं है, मैं वो निकम्मा जिसकी झोली में कोई हुस्न अमल नहीं है, मगर वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं। खताए मेरी छुपा छुपा कर, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने। मैं तेरी बारगाह में कैसे पेश होंगी मेरे प्यारे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है आपा? आपा का नाम क्या है? रेहाना। आपा, आपको लो कॉस्ट ट्रेवल्स एंड टूर्स की तरफ से उमरे का टिकट बहुत बहुत मुझे जन्नत की जवानी सुनता नहीं, जाहिद से मैं हूरों की कहानी, आशिक हूँ मुझे इश्क है दीवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। वल्लाह राजदार है तैबा के बाप के, बिखरे हुए वरक मेरी दिल की किताब के, मुझको संभालिए मुझे अपनी जनाब से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। बैठे बैठे आप लोग जिस तरह जो कलाम पढ़ा जा रहा है, जो रूहानियत है, बस यही समझिए कि यहीं पर इस वक्त आप आंख बंद कीजिए, क्या पता सरकार आपको किस वक्त बुला लें, हमें नहीं पता होता। ये तो सिर्फ वसीला है, ये लो कॉस्ट ट्रैवल्स एंड टूर वसीला है, ये मेरे भाई से वसीला है। आपका बुलावा वहां से था, बुलावा वहां से बुलाने वाले के लिए हम तो सिर्फ रास्ते में सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, यहाँ पर एक मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, और आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना
भी दिखा दे आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। माशाल्लाह भाई आपको मुबारक हो, लो कॉस्ट की तरफ से आपको उम्रे का टिकट बहुत मुबारक हो। कोशिश पूरी करेंगे भैया, जितना जो अमानत है जितना पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत मुबारक हो। आप जब से खड़ी हुई थी मैं आपकी कैफियत देख रही थी और मुझे बहुत हो रहा था कि इस हालत में इतनी जईफ हैं और पता नहीं कौन सी चाहत है कौन सी तड़प है। ऐसा तो वो बात है ना कि एक जुमले में ही सारी बात निकल आती है, जिसे चाहा बेशक बेशक पे बुला लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े अभी और बहुत से लोग हैं जिनकी कैफियत देखकर मुझे हो रहा है कि काश हमारे पास और भी टिकट्स होते हैं आप लोगों को देने के लिए। लेकिन वही वाली बात है कि जब मैं अक्सर एक बात करती हूँ, परवरदिगार कबूल फरमाए अपने हबीब के सदके, कि जब मिलाद के लिए कोई बहुत बड़े दस्तरखान लगाने की बहुत बड़ी महफिल करने की ज़रूरत नहीं होती, आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जमा हो जाएं, बात करें आका की वहीं मिलाद हो गई। तो शायद अल्लाह ताला आप लोगों की ऐसे ही जैसे आप लोगों की आंखों में जो ये आंसू हैं ये मेरे आका के इश्क में हैं, मालिक इनके सदके से आप सब लोगों का बुलावा हो और बहुत जल्द हो। और तीनों हजरात रमजान इश्क है ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ रहिएगा आगे भी इंशाल्लाह। हम डॉक्टर उमराहील के हवाले से भी और मजीद और बहुत सारे सेगमेंट्स, कुकिंग सेगमेंट, किचन के कंपटीशन और साथ साथ आज फिर अमजद भाई के लिए फातिहा आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आज चांद रात हो जाए, हैं रेहान भाई चांसेस क्या कहते हैं? चांसेस तो कम हैं, कम हैं क्योंकि आज बादल भी हैं और महकमा मौसमियात के ने यही ऐलान किया है बादलों की वजह से शायद चांद नजर ना आए, इस पे भी कोई इनाम रखते हैं। लेकिन अच्छा लेकिन ये है कि जो हदीस शरीफ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान में क्या है, सारा साल तमन्ना करे कि काश पूरा साल रमजान हो, तो हमारी तो खुशी होगी कि एक रोजा और हमें मिल जाए, सुभान अल्लाह कर सकें, अल्लाह को राजी कर सकें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खवातीन हज़रात सबके बाद हाजिर होती है हमारी छोटी सी फैमिली, आप हमारे साथ रहिएगा। देखने वालों को सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अभी वापस आ कर दे जो अक्ल होश से अनजान इश्क है, मंजिल मिले उस राह की पहचान इश्क है, आंखों में हसरतों की जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हम लोग ए प्लस टेलीविजन रमजान इश्क है माया खान की तरफ से आए हैं आपके लिए राशन लेकर। इंसानियत पे जिसका हो ईमान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, इश्क।
थर्ड पोजीशन पे आने वाले जिनके साथ स्टार मार्केटिंग की बाइक और सुपर पावर की बाइक जा रही है वो है रिजवान गुमन। नंबर्स लेकर 2016 रमजान इश्क है एटीवी ए प्लस के विनर है मोहम्मद आसिफ। हसरतों की जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। जिनके लिए तरसते रहे उनकी जीद हो। गोल्डन बॉल की तरफ से हमारे आने वाले सेकंड कंटेस्टेंट मोहसिन अली को बहुत सी तालियों में। बस उस पे तवक्कल है तो ईमान इश्क है सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मास्क लगवाएंगी और उनका रिजल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर कल ईद हुई तो मेरी बहनें चमकती दमकती निकलेंगी इंशाल्लाह, और अगर कल नहीं तो परसों चमकती नहीं चमकने के घर की चीजें एक दिन का तो होगा नहीं, डेफिनेटली इसका जो है जरूर असर होगा। ये सारी होम मेड रेसिपीज हैं, डॉक्टर मेराइल थोड़ी देर में आपको आके ये बताएंगे ये किस तरीके से ये मास्क बनाते हैं। आगे चलेंगे हम इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ मजीद ताहिफ का सिलसिला। उससे पहले आज हसन भाई ने कुछ सरप्राइज रखा है आपके लिए। हसन भाई क्या सरप्राइज है? सरप्राइज ये है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। सब हाथ उठाकर बताएं भाई कितनी मोहब्बत करते हैं। दोनों उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क, अल्लाह इसको तादेर कयामत इसी तरह कायम और दायम रखे। हमारे भतीजे मुजद्दिद साबरी हमारे साथ मौजूद, तो इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं एक मिली नगमा पढ़ता हूँ, और बच्चे मौजूद हैं तो बच्चों के साथ ज्यादा मिलकर पढ़ूंगा ऐसा नगमा ये पढ़ेंगे मिली नगमा, तो सब मिलकर पढ़ेंगे इनका साथ देंगे बिल्कुल देंगे तालियों में बताएंगे बिस्मिल्लाह। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। होए होए जबरदस्त क्या बात है मेरे दुनिया क्या बात है छा गई आप तो। अच्छा कुछ दिनों से आप मजीद नमाज की तरफ भी चलेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो है कल रात जब ज़ाहिर रिकॉर्ड था रात थी इबादत का सिलसिला था, इसके अलावा हम आपके टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे और पहेलियां भी हैं हमारे पास आपसे पहेलियां पूछेगा। पहेलियों में कौन अच्छा है मुझे ये बताए, पहेलियों में कौन अच्छा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। पहेलियों में ये अच्छा तुम लोगों से मैंने ज़रा सी भी पहेलियाँ अगर पूछ ली ना तो मुश्किल हो जाएगी फिर, पक्की बात है पहेलियों में अच्छे तुम लोग। अच्छा ये क्या लेकर आए, लेकर आओ जल्दी से लेकर आओ जल्दी जल्दी लेकर आओ चार्ट पेपर क्या बना के लाइयो, क्योंकि हम लोग को पूरे ट्रांसमिशन में पूरे मंथ टाइम ही नहीं मिला, लोग इतना बना बना के सब चीज़ें लेकर आते थे। अल्लाह मेरे भाई के साथ क्या बना दिया इसे पकड़िए। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, सामने ना हो ना गुड़िया इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ। ये क्या है इश्क रमज़ान, हमारे ट्रांसमिशन का नाम है रमज़ान इश्क है। हाँ ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। अमजद साबरी शहीद या रब्बुल आलमीन अमजद साबरी शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू राबिया आपने मेरी और मेरे भाई की तस्वीर एक साथ लगाई, ये आप रखिए आपके साथ आएंगे यहाँ पर फ्लावर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आइए दूसरा आपने क्या लेकर आई हैं आप, रमजान इश्क माया आपी ईद मुबारक जजाकल्ला खैर आपको भी ईद मुबारक गुड़िया। ये देखिए क्या नाम है आपका,
मेहरीन, मेहरीन पकड़ो वहां से, वेरी नाइस मेहरीन, ये बना के लाइए भाई, वाह 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 जबरदस्त, फ्लावर की तरफ से इनको गिफ्ट हैम्पर दीजिए बेटा, ये लेके जाइए। आइए, आप क्या लेकर आ गई बहन? इश्क रमजान द बेस्ट होस्ट इज माया खान, ये तुम्हें किसने कहा? मामा ने बताया, मामा ने बनाया है, मामा ने बताया बनाया, अच्छा मामा ने बताया बनाया, मामा कहा है, कहा है मामा, मामा को माइक दो, मामा कहा है इसकी भाई, क्या नाम है? रानिया। आपका कि मामा का? मामा का महरीन। मामा का महरीन, रानिया महरीन, सलाम अलैकुम। ये आपने क्यों बनाया द बेस्ट होस्ट? इतने अच्छे होस्ट हैं पाकिस्तान में, इतने अच्छे अच्छे लोग एंकर कर रहे हैं, आपने बेस्ट होस्ट क्यों बना दिया? आप फेवरेट हैं। अच्छा मैं आपकी फेवरेट हूँ, उसकी क्या वजह है? सबको ही पसंद है आप। सबको किसको? मोहल्ले को पसंद हूँ। किसको? सबको। मेरी खाला की, मेरी अम्मी की, सबकी फेवरेट है। अच्छा ननियाल में पसंद की जाती हूँ, ददियाल में नहीं था है? नहीं, सब सभी को ज्यादातर आप। अच्छा और ससुराल में पसंद हूँ। मेरी बहन के लिए प्यार की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, थैंक यू सो मच, सो स्वीट। आ जाओ मेरा गुड्डा, इधर आओ, इधर बैठो, तुम बैठ जाओ। ये क्या है? सामने देखो, सामने देखो, सामने वाले कैमरे में देखो, ये क्या है? क्या पहना हुआ है? कैप पहनी है। कैप पे क्या लिखा है? क्या लिखा है ऊपर? ए प्लस। क्या लिखा है? ए प्लस। अरे ए प्लस में क्या आता है पता है? ए प्लस में क्या आता है? रमजान इश्क है आता है। क्या आता है? और वहां पर माया आंटी आती हैं। कौन आती हैं? और नाम क्या है आपका? मौजमा। इससे ज्यादा मुश्किल नाम ना मिला मेरे बच्ची के ऊपर रखने को, मौजमा, नन्नी सी जान, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। लाइए जनाब फ्लावर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मेरी बच्ची के लिए, ला भाई ला, ये लो मौजमा, भाग जो मेरा गुड्डा। और कौन है भाई? और कौन बना के लाया? और क्या बना के लाया? और क्यों बना के लाया? कितना बना के लाया? डॉक्टर साहब आ गई, डॉक्टर साहब आने वाली हैं, आ गई, अस्सलाम वालेकुम, आपसे तो बात करती हूँ मैं अभी। जी डॉक्टर साहब क्या लगा रही हैं आप? मैं अभी इनके ना वो लगा रही, ब्लीच लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्किन फ्रेश हो जाए, उसके बाद हम फौरी तौर पर मास्क लगा देंगे। ब्लीच हमने जो अभी परसों बनाई थी, ठीक है, और वो लगा दी है, उससे क्लेंजिंग भी हो जाएगी, स्किन का कलर भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, और साथ साथ ही मास्क लगा देंगे। अच्छा, इसलिए हमारे चारों की स्किन टाइप्स कैसी हैं ये बताएं? डिफरेंट है, उनकी नॉर्मल थी, इनकी स्किन भी नॉर्मल है, इनके स्किन पे एक्ने बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके पर्स वाली के पिगमेंटेशन है, ठीक है, और इनके जो ना टी जोन जो है ऑयली हो रहा है, लेकिन हम ऑयल हो रहा है बिल्कुल। टी जोन कौन बताएगा? मैं उसको फ्लावर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दूंगी। टी जोन कौन सा होता है? यहाँ पर ये व्हाइट वाले कपड़ों में टी जोन बताए। देखिए डॉक्टर साहब सही बता रही है कि नहीं? कहाँ है माइक बताएं? ये नोज एरिया एंड ये, और ये लिप्स एंड ये, और ये फोर, ये का नाम होगा फोरहेड, नोज एंड अप, ये अप लिप्स, अप अपर लिप्स जो होते हैं, और ये टी होता है, बिल्कुल फ्लावर की तरफ से दो गिफ्ट हैम्पर दें मेरे नाम, वेरी नाइस। अच्छा इनके हमने ये लगा दिया है, अभी मैं मास्क का तरीका बता देती हूँ, हाँ। और साथ साथ मास्क लगा देंगे हम। अच्छा मास्क भी बड़े आराम से घर की चीजों से बन जाता है। खदीन और रात हमारे भाई फरहान अली वारिस आ चुके हैं, वेरी नाइस, क्या बात है। मैं सोच रही हूँ अपने जो घर से पहन के आई थी ना वही पहन के आ जाती हूँ कपड़े, हम जितने भी तैयार हो जाए फायदा तो है नहीं कोई, बिल्कुल सारी तैयारी पर आके एक इंसान पानी फेर देता है। जनाब जी बताइए। अच्छा इसमें जो है अनार के छिलके हमने लिए हैं, हाँ। अनार का फूल लिया है, अनार की कली ली है, अनार की छिलके, अनार का फूल, अनार की कली, तीनों चीजें अनार की है। और इसमें एक जो चीज है वो है कत्था, कत्था वो चूने वाला, चूने वाला पान वाला कत्था। ये चारों चीजें मिला के जो है हम मास्क बनाते हैं, और इसका जो है रिजल्ट इंस्टेंट आएगा, आप फौरन लगाएंगे, आपको किसी फेशियल की जरूरत नहीं है। और इस मास्क को डॉक्टर साहब आपको पता है ना आप क्या कह रही हैं? जी हाँ मुझे अच्छी तरह पता है, आवाम देख रही है आपको, बिल्कुल बिल्कुल है, आपको जरूरत माइक माइक बेटे माइक भाग, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की है मजीद। क्या कह रही है वो बहन जो बैठी हुई है जो चुड़ैल बन गई है वाइट लगा के आंटी चुड़ैल? मैं ये कह रही हूँ, और अगर कल ईद हो गई, मुझे फेशियल कल लेना था रात में, हाँ। पर मैं पॉलर नहीं जा सकी घर के कामों की वजह, हाँ। से कि पहले घर के काम निपटाए जाए फिर लास्ट में फेशियल होगा। आई छोड़ो घर के काम, लेकिन में हो रही है, लेकिन अब देखे अच्छा हो गया ना कि मैं यहाँ बिल्कुल, अगर ईद हो गई बिल्कुल गाड़ी की जरूरत ही नहीं, पैसे जो बचे वो भाई को ना बताना, भाई को ना बताना,
बच गए, बोलो अभी जाना है, करना है, वो जाना है, करना है, ये तो सिर्फ हल्का सा, हाँ हल्का है, तो तू छोटा रूल है, पर अभी तो बड़ा होगा, रास की बातें बताना नहीं किसी को, हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं नहीं जज़ाकअल्लाह खैर, कुछ नहीं, क्या कह रही है, पैसे पूरे निकलवा ले उनसे, और क्या पैसे ना छोड़ियो बहन, तुझे वास्ता है बहन चारे का, एक भाई चारा होता है, एक बहन चारे का, कसम है, पैसे पैसे नहीं छोड़ने चाहिए हस्बैंड्स के पास, बिल्कुल नहीं छोड़ जाएंगे, मेरे ये तीनों जो भाई है ना, और ये चारों भाई, इन लोगों उसको तो खैर नहीं हुई, अभी तीनों भाभियों कहां से सुन लो, कौन सा कैमरा मेरी तरफ, लेकिन वो खुश हो रहे होंगे कि इनका फेशियल हो चुका है, हां सुनो भाई, सारी भाभियों सुन रहे हो मेरी बात, खबरदार मेरे इन भाइयों के पास पैसे छोड़े हो तुम लोग, कसम है मेरी नंद होने की, जो पैसे मत छोड़ना इनके, ताली बजा जाते, और क्या, अच्छा ये जो है जो मेरी बहन जिनके आपने अभी ब्लीच लगाया, इनकी स्किन टोन कैसी है, इनकी स्किन नॉर्मल है लेकिन पिगमेंटेशन है, छाइयां हैं स्किन के ऊपर, कलर भी इनका साफ है लेकिन स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, इनको अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए, विटामिन ई का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन ई के ऑयल भी आता है लगाना चाहिए, लेकिन लगाना जो है वो तकरीबन 20-40% काम करता है, 80% काम या 90% कह लें खाने से आपको रिजल्ट मिलता है, अच्छा आप कुछ भी लेवल बढ़ा दो, आप कुछ भी खा लें वो सॉरी लगा ले वो कुछ परसेंट काम करेगा, सही है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिंस आते हैं आपके सप्लीमेंट्स आते हैं मेडिसिन आती हैं, या आप दवाएं नहीं खा रहे तो आपके फूड्स ऐसे हैं फ्रूट्स हैं वो आप खाएंगे तो आपका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, अरे वाह, मतलब हम लोग क्या करते हैं लगाने पे फोकस करते हैं, बस लगाते रहो लगाते रहो, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, मेरी बहनें भी अग्री करेंगी यहाँ जो बैठी हुई है, और आप लोग भी बताइएगा, और जिनके पास माइक आप जरूर बताइएगा, हम लोग जो खवातीन होती है ना हमें होता है कि हम फेस वॉश अच्छा कर लें, हम फेस पॉलिश कर लें, हम सामने से कर लें, हम इस चीज पर ध्यान ही, रमजा सामने आगे बढ़े, हम इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारे अंदर जो जा रहा है खाना, या हमारे अंदर जो नहीं जा रहा खाना जो जाना चाहिए उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, और आप यकीन करें ये बात मुझे नहीं पता, काफी लोगों ने, अरे जुबैर भाई कैसे हैं आप, सलाम अलैकुम जुबैर भाई कैसे, ठीक है बस खैरियत से, और हम लोग अक्सर जो है ये इस बात पे जोर देते हैं कि बस ऊपरी सारा ठीक हो जाए, मैंने इस बात को पर्सनली ऑब्जर्व किया, काफी लोगों ने आगे मुझसे पूछा आपने इतना वेट कैसे लूज कर लिया, मुझे नहीं पता क्या आप लोगों को लगा नहीं, काफी लोग आगे मुझसे पूछते, मैंने कहा मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया, मैंने बकायदा मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, इसमें अमरीन का भी डॉक्टर मेरा का भी बहुत हाथ है, मेरी ट्रेनर का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने मुझे हेल्प किया पूरा डाइट को मेंटेन करने में, जो खाते हैं ना वो फील होता है, वो फील होता है, आप यकीन करें, मुझे बताएं ईमानदारी से यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं कि इनको मुरखन खाने के बाद जिस्म भारी भारी महसूस होता है, भारी खाना खाने का तो लगता है ऐसे यहाँ पे जलन हो रही है, ऐसे किसी ने आग का गोला रख दिया हो, यहाँ पर हार्ट बर्न हो रहा होता है, तेजाबियत हो रही होती है, ये सब कुछ इसलिए कि हम वो खा रहे होते हैं जो हमें सूट नहीं करता, अभी आजकल मैं सब खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई ईट एवरीथिंग, बट अगर फर्ज करें पिज्जा पसंद है तो एक साइज खा लूंगी, और अगर नहीं है जो कि मुझे इतना पिज्जा पसंद नहीं है आधा उसमें से तोड़कर खा लूंगी, एंड दैट्स इट, अपना दिल चाह रहा है ना कि दिल चाह रहा है खा ले, अब ये सही बात है कि आप जब तक अंदर से ना आप खाए पिए, जैसे आप लेडीज को अक्सर होती हैं आप फेस वॉश यूज कर रही हैं, महंगे से महंगे पार्लर जा रही हैं, ट्रीटमेंट करवा रही हैं, लेकिन उनका नहीं, जब तक आप सबसे मेन चीज है पानी, पानी पानी सबसे मेन चीज है, आप जितना पानी पियेंगे आपकी स्किन अच्छी होगी, और दही आप बल्कि कॉल भी कर सकते हैं डॉक्टर मेरा हेल्थ से, अगर आपने इंस्टेंट कुछ पूछना है कि कोई पिंपल है आ गया है, फर्ज करे किसी की शादी हो रही है बच्ची की, घरों में शादी होने वाली है, कोई दावत है, फर्ज करे कल ईद है परसों भी है, आप हमें फटाफट कॉल करें और यहाँ पर आपको वो क्विक क्विक रेसिपी बताएंगी कि आप क्या कर सकती हैं, और सेकंड चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप खुश रहें और नींद पूरी आप जो करते हैं नींद पूरी होनी चाहिए, खुश रहें और अंदर से आप जो है मतलब खुद ही अपने आप को देखेंगे कि मैं बिल्कुल शुरू कर दिया ये, लेकिन वो मैंने फिर क्या चीज नोट करी कि पानी पानी और नींद जा रहा था, जाहिर है पानी, फिर वो पकौड़े वो अफ्तार के बाद वो सारे खराब हो जाती है, लेकिन हम ये कोशिश करें कि अफ्तार में भी वो डाइट लें जैसे ले लें, और सबसे बेस्ट सैलेड,
सैलेड, आप सैलेड की चाट बनाएं, पानी पिए। ये मतलब ये लोग पकौड़े खा रहे हैं, समोसे हाँ, खा मतलब पकौड़े खा रहे हैं, पिंपल भी निकलते हैं हाँ। और स्किन भी खराब हो जाती है। और बस आपका ये मेन चीज पानी है, पानी आपके जिस्म में जो जाएगा वही आपकी स्किन पर निकल कर आएगा। मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, मास्क लग रहा है, देखते थोड़ी देर बाद इनका क्या रिजल्ट होता है और फील कैसा करते हैं। और ये वाला मास्क तो मैं भी लेके जाऊंगी बनवा के घर में, और जरा चार पांच लोगों का पार्सल बना देना, अंदर बहन भाभियां बेटियां सब हैं घर में, फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। रमजान इश्क ट्रांसमिशन जारी, तीन भाभी अंदर भी, उनका भी पार्सल कर देना। थैंक यू, विल बी राइट बैक। अभी वापस आते हैं।